हेलो फ्रेंड्स एंड गोइंग विद द सीरीज ऑफ टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दिस इज फॉर जनरल स्टडीज पेपर टू एंड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कपल ऑफ टाइम्स, द गोल इज टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस एंड ऑल्सो हाउ यू कैन लर्न एंड हाउ यू कैन अप्रिशिएट द राइटिंग पार्ट। देर आर थ्री क्वेश्चंस, प्रीवियसली यू आर टेकिंग अप टू एंड दैट्स हाउ इन आवर अदर एंडेवर्स एंड एक्सरसाइजेस वी हैव बीन डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज आर बींग इम्प्लीमेंटेड सो दैट वन कैन ब्रिंग द बेस्ट इन टू देयर ओन बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट टू एनी हार्डवर्क। वन शुड बी स्मार्ट एंड ऑल्सो सिंसियर इन देयर अप्रोच। तो कोशिश है दैट वी मस्ट बी एबल टू ब्रिंग द राइट आइडियाज एंड ऑल्सो एलिमेंट्स। तो लेट्स सी इन ईच क्वेश्चन हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट एंड वेदर इट इज फुलफिलिंग सर्टेन काइंड ऑफ डिमांड्स और नॉट। Office of CAG needs to evolve and reinvent itself in order to improve the performance of its political role of improving governance. यानी कि CAG के अगर आपको आर्टिकल और आपको अगर उसके फंक्शनिंग पता है then only you can appreciate the first statement because it is a corollary of the article. Ensuring fiscal transaction transparency and extracting executive accountability. तो पहला स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट एक तरीके से उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड इन दिस लाइट यू हैव टू ब्रिंग द डेफिशिएंसीज और यू हैव टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग बाय ब्रिंगिंग सर्टेन काइंड ऑफ पॉजिटिव आइडियाज एंड रिफॉर्म्स इनटू इट नॉट मेयरली क्रिटिसाइजिंग इट। चलिए आर्टिकल 148 जैसा मैंने आपको कहा सीएजी रोल आपको पता है फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि क्या का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में रोल क्या है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे फिक्स टेन्योर होगा ऑडिट फंक्शनिंग होगी असिस्ट पार्लियामेंट्री फंक्शनल कमिटीज इन I think it is on track. Wonderfully written. The first part is actually static in nature, but then कम से कम वो direct बात कर रहा है। National Commission to Review of the Working of the Constitution, वेंकट चलेजी जी के उसमें वो cite करने की बात कर रहे हैं, यानी half use of powers, half use की जगह अगर मान लो report में भी ऐसे term है, तो हमें term administrative thought के साथ लेके आने चाहिए। तो only auditing is done, quasi judicial power तो वैसे भी नहीं है, तो UK में है, Indian CAC की सिर्फ auditing powers हैं। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर इसीलिए सिर्फ वो उसका पावर सिर्फ ऑडिटिंग का है। रिकमेंडेशंस ऑफ कैग आर नॉट बाइंडिंग वेरी ट्रू तो उससे ग्रॉस वायलेशन होता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का लेकिन एग्जीक्यूटिव चाहे तो जो कैग की जो रिकमेंडेशंस होती है उनको वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ फाइनेंस करंटली कैग इज अ मेंबर लेकिन कैग शुड बी गिवन मोर टीथ आई थिंक ऑन ट्रैक। यूनिफॉर्म टाइमली एक्शन चलिए आगे कैग कैन बी मेड मोर रॉबस्ट बाय एडिंग मोर प्रोफेशनल पर्सनल विच कैन स्पीडिफाई द ऑडिटिंग मैकेनिज्म आई थिंक दिस इज ऑन ट्रैक दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें और एग्जाम्पल्स आ सकते थे इसमें केस स्टडी ले सकते थे। इसमें आप पॉपुलर न्यूज में जो कैग का कई बार आता है स्टेट लेवल पर भी कैग का रोल है और सेंट्रल लेवल पर भी है तो वो थोड़ा सा एलिमेंट आ सकता था। What are the methods used by pressure groups to influence public policy in India? एक बहुत ही ब्रॉड है क्वेश्चन ये आपके आर्ग्यूमेंट्स को चेक करेगा ये आपके वेरिएशन को चेक करेगा ये आपकी एबिलिटी को चेक करेगा ये आपके स्टेमिना को चेक करेगा। सो इन योर ओपिनियन वेदर प्रेशर ग्रुप्स ब्रॉडन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बाई वॉइसिंग ग्रुप कंसर्न्स और सबवर्ट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट टू नैरो गैप इंटरेस्ट। तो सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर तो आप उसको हटा सकते हो क्योंकि ऐसा नहीं है लेकिन फर्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रेशर ग्रुप आखिर होता क्या है कैसे काम करता है। नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन बोला उसको स्पेसिफिक इश्यूज कंसर्न्स रेज करता है लेकिन इसमें भी अच्छी वोकैबुलरी आ सकती थी। पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं करता पब्लिक पॉलिसी को शेप भी करता है पब्लिक पॉलिसी को डायरेक्शन भी देता है। तेलंगाना का बनना भी अपने आप में आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप्स उनका रोल था। मेथड यूज बाय प्रेशर ग्रुप्स इंस्टीट्यूशनल मेथड्स हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स हैं आई थिंक डिवीजन इज ओके उसके अंदर आप एग्जांपल्स भी दे रहे हैं दैट इज ऑन ट्रैक। दूसरा आंसर भी इसी तरह ट्रैक पर चल रहा है। ब्रॉड एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है लेट मोर इंक्लूसिविटी बिल्कुल सही बात है। रीजनल स्पेसिफिक एसेंशियल डिमांड्स उठाते हैं चलिए। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इक्विटेबल डेवलपमेंट चलिए आगे चलिए विच हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ सोशियो कॉजेस इन पॉलिटी मेकिंग प्रोवाइडेड हेल्प टू डाउन रोड एंड मार्जिनलाइज बिल्कुल सही बात है बट देर आर प्रेशर ग्रुप्स ऑन द अदर हैंड विच हैव फोकस्ड ऑन नैरो इंटरेस्ट ऑल्सो। तो नैरो इंटरेस्ट मत कहिए आप माइक्रो इंटरेस्ट कह सकते हैं नैरो से इंग्लिश या फिर आप इससे मायोपिक या फिर शैलो इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए। पर्सनल अगर कोई एलिमेंट्स लेके आते हैं या फिर आपको लगता है कि सोशल इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो वो प्रेशर ग्रुप का एक लिमिटेशन माना जाएगा या प्रेशर ग्रुप का एक तरीके से आप कह लीजिए साइडलाइन है। सो काउंटरफिट करेंसी इलीगल फंड्स मेथड ऑफ इलीगल कार्टलाइजेशन एसेंशियल कमोडिटीज ये सब भी पार्ट्स हैं। तो यहाँ थोड़ा आंसर क्लियर नहीं हुआ बाकी इट इज ऑन ट्रैक। प्रेशर ग्रुप शुड बी प्रमोटेड नहीं है वो मतलब दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ
सोसाइटी विच इज अलाइव एंड विच इज थ्राइविंग एंड विच इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, तो ये कहना गलत होगा। सोशल रिफॉर्म्स विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आर मीनिंगलेस, वेयर एज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विदाउट सोशल रिफॉर्म्स रिमेन्स हॉलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट ब्रिंग्स द कॉन्सेप्ट इन टू फोर, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आखिर चाहिए क्या, और अगर आप इसको लिख पाते हैं तो आप आंसर को, मतलब आप इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को हम मान सकते हैं। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइज द कोहेरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आई थिंक वेल स्टार्ट, गुड स्टार्ट, ऑन ट्रैक, क्लास आ रही है। 73rd 74th अमेंडमेंट, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, 33% रिजर्वेशन टू वुमेन, सही बात है। चलो बट वी हैव सीन डाइकोटॉमी इन सोशल रिफॉर्म्स डन बट विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो लेके आइए उसका इलस्ट्रेशन दीजिए। तो नो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, पॉलिटिकल फंक्शन में वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, बट देन हाउ इट कैन बी इंक्रीज। सोशल रिफॉर्म मस्ट बी सीन एज ए काइंड ऑफ अ माइक्रो एलिमेंट ऑफ द होल मैक्रो बॉडी। सोशल रिफॉर्म के अंदर अगर आप चाइल्ड मैरिज को भी उठाएंगे, या फिर आप जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी का एलिमेंट भी उठाएंगे, या फिर आप वुमेन को मार्जिनाइज रखने की बात भी उठाएंगे और उसको आप सोसाइटी से जोड़ेंगे, सोसाइटी के बाद उसको आप इकोनॉमिक्स से जोड़ेंगे, इकोनॉमिक्स के साथ साथ उसको आप पॉलिटिकल इंपावरमेंट से जोड़ेंगे, तब आपका आंसर ज्यादा वैलिडिटी होगा। रिजिडिटी इन सोसाइटी इज नॉट अ समथिंग वंडरफुल वर्ड, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे से नहीं आ पाया, वोकैबुलरी की जरूरत है, वोकैबुलरी और इंप्रूव होनी चाहिए। उसके लिए न्यूज़पेपर सेशन दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड ऑल्सो डिफरेंट असाइनमेंट्स विच आर गिवन, दे मस्ट बी टेकन अप वेरी रिलीजियसली एंड विद लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड हैप्पीनेस। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डन विदाउट सोशल रिफॉर्म्स मेक्स कंट्री हॉलो, तो ये एग्जैक्टली आंसर का क्वेश्चन का पार्ट यहाँ नहीं आना चाहिए था, इससे आधा नंबर कट गया। नॉन इफेक्टिव पॉलिटिकल स्पेस एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, फॉर एग्जाम्पल पति पंचायत, ऐसे बताने की जगह पॉजिटिव बात बताइए और उसकी लिमिटेशन को लिखिए। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का सोल्यूशन भी साथ में आना चाहिए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, या फिर आप वनरेबल सेक्शन को, जो ट्राइबल और दलित को जो इक्वल स्पेस देने की बात हो उसकी बात कीजिए। रोना पीटना नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, आंसर ओरिएंटेड बात चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है, व्हाटएवर यू आर राइटिंग एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गिवन मार्क्स। एफिडेविट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन एंड टाइमली ऑडिट बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नो प्लेस फॉर पति पंचायत, सच एज सच केसेस शुड बी रिपोर्टेड टू सी विजिल ऐप ऑफ ईसीआई, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है आंसर के अंदर, और आंसर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा यू नो इट हैज बिकम ब्रॉडर, इट इज लूजिंग द एज, इट इज लूजिंग द कटिंग पॉइंट्स, तो सम मोर वर्क कैन बी डन ऑन सोशल फ्रंट, वुमेन एजुकेशन स्किल अंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली स्कीम एक्सेट्रा, देयरफॉर डिले मैरिज टू इंश्योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अंडर स्टार्टअप वन सो दैट शी कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीके से, कल्चर तरीके से पुटअप नहीं की गई। सी ए जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल वाया ऑडिटिंग द एग्जीक्यूटिव, इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, गुड स्टार्ट, कीवर्ड्स आर विजिबल, एक आइडिया विजिबल हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन जैसे पहले आंसर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन बताई गई थी, वो पार्ट यहाँ पर भी आ सकता है और इलस्ट्रेशन भी आ सकते हैं। डेटा ड्रिवन पॉलिसी डिसीजन ऐसे आप डायरेक्टली मत बोलिए, आप उसको बताइए कैसे, आप बताइए कि कैसे स्टेट लेवल के ऊपर कोई प्रोजेक्ट है, चाहे फिर वो आपका कोई डैम प्रोजेक्ट है, चाहे फिर वो आपका हाईवे प्रोजेक्ट है, चाहे फिर वो नेशनल प्रोजेक्ट है, कैसे आखिर करें, तो ये आंसर अच्छा बन सकता है, लेकिन जब आंसर बनेगा जब उसके अंदर इलस्ट्रेशन साथ में होंगी, जब उसके अंदर आप आइडिया के साथ इम्प्लाई करेंगे, अभी तो क्या थियोरिटिकल हो गए, अभी सारी बातें थियोरिटिकल हो गई, फिस्कल फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, चलिए चलिए रिफॉर्म्स इन सी ए जी, अपॉइंटमेंट पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं लेकिन वर्किंग और फंक्शनिंग की बात कीजिए, तो रेड टेपिज्म कॉन्फ्लिक्ट, सो इट सीम्स लाइक आंसर बिकम्स जनरल कंटेंट बेस्ड मैगजीन आंसर, या फिर एक कोचिंग की वेबसाइट पे जैसा आंसर होता है, ये वैसा हो गया। फर्स्ट आंसर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेकेंड आंसर के अंदर आने चाहिए थे, ये हम कह सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स आर कलेक्टिव बॉडी ब्रिंगिंग अटेंशन, ठीक बात है, ग्रेटर सोशल कंसर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव, तो मेथडोलॉजी जो यूज हो सकती है, पिटीशन, प्रोटेस्ट, लॉबिंग, मीडिया राइटिंग, आई लाइक दैट द वे इट इज पुट अप, फेडरल डेमोक्रेसी की बात है, आर्टिकल 19 की बात है, चलिए। विजिबल फिकी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एसओ कैम को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, एनालिटिकल रोल की बात की, सरपंच पति, एब्सेंस ऑफ वुमेन टॉयलेट्स एंड सो फोर्थ, अच्छे आइडियाज लेके आए, गुलाबी गैंग, निर्भया वाहिनी एफर्ट्स, तो ठीक है, यहाँ पर आंसर थोड़ा पीछे वाले आंसर से ज्यादा स्मार्ट हो गया, वही चीजें और अच्छे से बताई गई, लेकिन पीछे वाले आंसर से कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट यहाँ लिए जा सकते हैं। एनालिटिकल अगर अप्रोच की बात करेंगे तो इस आंसर में एनालिटिकल अप्रोच कुछ परसेंटेज से ज्यादा है बिफोर द प्रीवियस क्वेश्चन, बट द प्रीवियस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव, बट लेटर ऑन इट वेंट ऑन टू लूज द ट्रैक। सोशल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट शेयर ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ईच मीनिंगलेस इंडिपेंडेंटली, आई लाइक दैट, दिस अ वंडरफुल स्टार्टअप, 73rd 74th, एंड उसके बाद जो है लेटर स्पीड की बात की, सरपंच पति फिर से आया, बड़ा इश्यू उठाइए,
जब हम सोशल रिफॉर्म्स के हिंदुस्तान में बात करते हैं तो सोशल रिफॉर्म यह भी है कि करप्शन नहीं करूंगा, वो भी सोसाइटी का ही पार्ट है। सबको बड़ा घर चाहिए पर क्यों चाहिए ये समझ नहीं आता। सबको आराम चाहिए, काम क्यों नहीं चाहिए ये समझ में नहीं आता। सबको एक बार बड़ा बनने का शौक है, उसके बाद जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई करप्शन और उसके बाद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो विकसित भारत के लिए कास्ट नहीं चाहिए, सोशल रिफॉर्म का मतलब यहाँ पे कास्टिज्म की बात होनी चाहिए थी। यहाँ पर आप कम्युनिटी स्पेसिफिक बात करते कि वो चीजों को कैसे रिफॉर्म करें, तो वो हो रहा है, पॉवर्टी इटसेल्फ। सो आंसर्स टिल नाउ जो भी हमने पढ़े वो आंसर क्लासिकल मॉडल भी नहीं कहूंगा, वो एक ट्रेडिशनल बैकवर्ड एलिमेंट्स को शो कर रहे थे, वो मतलब फॉरवर्ड और लुकिंग स्मार्ट एंड डायनेमिक आंसर्स नहीं है। चलिए आगे जी प्लीज। सर, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज, तो वुमेन इश्यू से रिलेटेड का सोशल रिफॉर्म और उसका था। अच्छा ये, हाँ ये बात आपकी सही है, लेकिन उसके अंदर भी अगर वुमेन की भी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप ले आइए, उसके अंदर भी कास्ट आएगा, उसके अंदर भी उनके मैरिज के जो बाकी चीज आएंगी। आई जस्ट गॉट कैरिड अवे विद दैट वन पॉइंट, लेकिन उसके अंदर भी फिर भी और आना चाहिए। हाँ यहाँ पर जैसे अभी एनसीबीआरबी की बात है, सोशल इश्यूज अगेंस्ट वुमेन की, लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये फिर भी आंसर को थोड़ा सा, जैसे सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर आई अप्रिशिएट, पीएम मातृवंदी योजना, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, लेकिन जो कहना चाहिए मुझे कि वुमेन में, वुमेन के जो इश्यूज हैं उसको अगर सारे अनसारे अगर हम आंसर देखते हैं जनरल अगर हम देखेंगे, तो अगर सारे एलिमेंट्स ही हम जनरल तरीके से लेके आ जाएंगे तो हमारा आंसर डिस्टिंक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाट प्रोबेबली आई वांटेड टू कन्वे। एंड जैसे इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि जो कॉम्प्रेसिव एम्पावरमेंट कैसे होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, 2021 सेंसस है, ये सारा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है। लेकिन ठीक है, दोनों को सोशल और पॉलिटिकल को हमने अलग अलग लिया। पहले वाले आंसर से अगर मैं वो बात करूँ तो उसके अंदर भी ये कोशिश की गई थी अगर इसी एलिमेंट की बात करें, लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिटी आने की जरूरत है। सीएजी बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है हमने पढ़ा सीएजी तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता ही है, उस तरीके से तो बोलता ही है वो, लेकिन कैसे किया जाए। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, सभी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज को लाने की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन, तो इसके मुकाबले फर्स्ट आंसर में जो एलिमेंट्स थे दे आर मोर अप्रिशिएटेड। उसके बाद जो है डीले की बात कर रहे हैं, ऑडिटिंग इन्वॉल्व मल्टीपल एरियाज लाइक इन्वायरमेंट, वो तो है ही सब जगह है, तो मतलब कैग फैसिलिटेटर है, लेकिन उसकी बातों को लिया जाए, एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेचर भी उनके रिपोर्ट्स को उठाए, उस पर चर्चा करे, और उसके बाद जैसे हम करप्शन को एक इश्यू बनाकर जनता से बात करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। प्रेशर ग्रुप्स सेफ्टी वॉल्व है, ठीक बात है। उसके बाद शेयर्ड पावर बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक बात है। लीगल एंड लेजिटिमेट मेथड है, इंटरमीडियरी भी है, टेक्निक अगर आप बात करें तो ये है आपकी फायरिंग इन मेघालय, प्रेशर ग्रुप कॉल फॉर स्टेट वाइड बन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टेक्निक्स तो जैसे पहले आंसर्स में था वो आप बता सकते हैं वैसे भी, और डिमांड फुलफिलिंग थ्रू राइजिंग डिमांड बाय राइटिंग नोटिस, ओके। तो आंसर की जो स्पीड होती है वो हमारी थिंकिंग स्पीड से जुड़ी हुई है। प्रोज ऑफ प्रेशर ग्रुप, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेशर ग्रुप, ठीक है दैट इज ओके, दैट्स फाइन। ऑर्गेनाइज ग्रुप है, वर्किंग ऑफ द वेलफेयर सिटीजन थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शंस हैव ब्रॉडन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जस्ट लुकिंग टू फुलफिल द गैप्स इन टर्म्स ऑफ क्रिटिज्म, थोड़ा इलस्ट्रेशंस एक और जगह और आ सकता था, रिपीटेशन को हम रोक सकते हैं, बाकी आंसर ऑन ट्रैक है। सो सोशल रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म आर मीनिंगलेस एंड वेयर पॉलिटिकल विदाउट डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज एंड लेजिस्लेचर, जैसा कि अभी थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग दैट, ये पॉइंट यही है। तो कोटाज विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की, कौंडी सुरेखा एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, वंडरफुल। इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी आप बता रहे हैं कैसे है, इला भट्ट का एग्जाम्पल दिया, आगे चलिए। तो छोटा लिखा लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। कैन वी स्टार्ट विद दिस आंसर प्लीज, थोड़ा नीचे लेके आइए, हाँ बस। सो ऑडिटिंग ऑफिस ऑफ द कैग, चलिए आगे चलिए आगे चलिए। ऑडिटिंग मेक्स द इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एज पर हायर एथिकल स्टैंडर्ड, आर्टिकल आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। कैग एज ए बॉडी, कैग फंक्शनिंग रिपोर्ट, बहुत अच्छा। आई थिंक बिगनिंग इज करेक्ट, लाइक द वे वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन।
रिप्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, रिव्यू सब कुछ आपने बता दिया. चलिए आगे. इट हैज बीन क्रिटिसाइज. चलिए पोस्ट फैक्टो, आई लाइक द टर्म. ओनली रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेटरी इन नेचर. अनदर, नो अदर मैकेनिज्म. इक्विटी, ग्रीन एंड जेंडर ऑडिटिंग होनी चाहिए. फिजिकल एक्सपेंस नहीं है उसका. उसके बाद जो है डायरेक्शनल, जो आपने कहा FRBM एक्ट, फिजिकल प्रूडेंस की बात की. एंड डिपार्टमेंट्स मैंडेटरी रिप्लाई ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग एड इन न्यू स्टैंडर्ड इंक्लूजन इंक्लूडिंग फर्स्ट फिजिकल ऑडिटिंग. आई थिंक ऑन ट्रैक. ठीक बात की. एग्जाम्पल आ सकता था, इलस्ट्रेशन आ सकता था, कुछ अच्छे इलस्ट्रेशन एक आध आपको खुद क्रिएट करने चाहिए अगर माइंड में नहीं आ रहे हैं. और नहीं, अगर आ भी नहीं रहे हैं तो आप खुद क्रिएट कीजिए, और आते हैं तो प्लीज लिखिए. What are the methods used by pressure groups to influence public policy in India? Whether pressure groups broaden democratic participation by voicing common concern? तो इसके टेक्निक की अगर बात करें या उसके कैसे वो करते हैं, वो सिर्फ उसका एक एलिमेंट है. बात कुछ और पूछ रहा है. तो पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग, लॉबिंग, सिर्फ लॉबिंग वर्ड शुरू में मत लेके आइए. पब्लिक प्रेशर को आप, पब्लिक ग्रुप को आप कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इशूज और लॉन्ग टर्म वर्क से जोड़िए. और उसके बाद जो है ब्रॉडनिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात कीजिए. इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वर्क टू इन्फोर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक बात है. चलिए आगे. मेथड्स नीड टू मेथड्स यूज बाई प्रेशर ग्रुप, पिकेटिंग, स्लोगन. ठीक बात है, आपने भी मेथड बताया, लेकिन फिर क्या सो कैम, आई लाइक दैट. तो सेकेंड आंसर, फर्स्ट आंसर, दोनों ही बहुत टक्कर के आंसर्स हैं. अगर हम बात के आंसर्स की बात करें तो इस आंसर में भी वो एलिमेंट्स हैं, और ये आंसर भी उसी तरीके से थोड़ा कॉम्प्रेहेंसिव है. दैट्स व्हाट वी कैन से. UAPA, NSA, Section 189 IPC, FCRA, प्रेशर ग्रुप की जो एक्टिविटीज हैं, प्रोविजंस हैं, वो सब बात किया गया. PMLA 2002 की बात की गई. प्रेशर ग्रुप कैसे लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी का पार्ट होना चाहिए उसकी बात की गई. जुडिशियल रिव्यू की बात की गई. गवर्नमेंट भी आती है उसके अंदर, तो प्रेशर ग्रुप ब्रॉडन करते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को, एंगेजमेंट को. आई थिंक वेल रिटर्न, वेल अप्रिशिएटेड. जहां तक सोशल रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिकल का एम्पावरमेंट की बात है, विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकल एंड लोकल बॉडीज एंड लेजिस्लेचर्स, कंपेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश 22%, इन साउथ एशिया वुमेन रिप्रेजेंटेशन ओनली 14 to 16%, देयरफॉर 33%. ठीक बात है, आपने अच्छी बोल्ड शुरुआत की, इनोवेटिव शुरुआत की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की. पर बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा आप अफ्रीका भी बोल सकते थे. केस फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विदाउट सोशल रिफॉर्म, पति पंचायत. लेकिन इससे आगे जाइए, वही जैसे मेरा पहले, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे ऑल्सो, थोड़ा सा इनोवेटिव होने की कोशिश कीजिए. रिपीटेड टर्म्स को लाइए, लेकिन उसके अलावा नैरेटिव नया बनाइए. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज मिसिंग. ओह, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट. मिसिंग नहीं है वो और बढ़ना चाहिए. इट इज हैपनिंग. और सोशल रिफॉर्म, जो वुमेन का लोकल जो पार्टिसिपेशन है, उसके बैकग्राउंड में जाइए, उसके रूट कॉज में जाइए. जैसा मैंने पहले कहा, 2-3 लाइनें उस पर हो सकती थी कि वुमेन जब तक तो कॉन्फिडेंट नहीं होंगी तो वो खड़ी नहीं हो पाएंगी, जब खड़ी होंगी तो बोल पाएंगी. तो अभी भी जैसे बात हम करें रिसेंट इलेक्शंस, अगर हम स्टेट इलेक्शंस की भी बात करें, 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन होने, बात करने के बावजूद भी सीटें नहीं मिली. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड वी हैव टू ब्रिंग इट इन अ हॉलिस्टिक मैनर. पार्लियामेंट सोशल रिफॉर्म्स, लेजिस्लेटरी हिंदू कोड बिल, बैनिंग डाउरी, बैनिंग ट्रिपल तलाक. और उसके बाद आपने बात की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर की. सोशल रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन विल वर्क हैंड इन हैंड. सही बात है. चलिए, एक्सपर्टीज इन वुमेन सेंट्रिक जेंडर पॉलिसीज, एटीट्यूडनल चेंज. आई थिंक आई लाइक दीज आइडियाज. दीज आर बेटर, दीज आर फ्रेश इन अप्रोच, एंड दीज आर कॉन्फिडेंटली. आंसर को थोड़ा चौड़ा रखिए, बीच के पार्ट को इतना मत कीजिए, क्योंकि मार्जिन दोनों साइड होता है. तो वी हैव टू यूज द स्पेस इन ए स्मार्ट मैनर. बाकी आंसर ट्रैक पे है, और बाकी आंसर्स के साथ जब फ्लो में पूरे पेपर के साथ पढ़ा जाएगा तो प्रॉब्ली इट विल बी सीन इन अ पॉजिटिव लाइट. सो कैग इज डिफाइंड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. वो हमने भी बात की, लेकिन हमने इस तरह का स्टेटमेंट यूज नहीं किया. देर इज नीड टू रीडिफाइन इट्स रोल. सिंपल तरीके से बताया गया कैसे. तो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बताया, चलो हमने बोला वो भी ठीक है भाई, कई जगह हमने बताया भी नहीं, लेकिन हमने इमर्जिंग चैलेंजेस की जो बात है, ये शब्द हमने प्रयोग नहीं किया. तो फेलियर ऑफ द बॉडीज टू फर्निश टाइमली इंफॉर्मेशन टू कैग, बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि आपने इससे अकाउंटेबिलिटी बाईपास कर दी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ज्यादा बढ़ाव हो रहा है, उस वजह से भी रोल जो है वो कैग का डिफाइन हो जाता है. गवर्नमेंट यूज ऑफ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑफ PSU, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी. देखिए, पहले एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, या फिर पहले बात की गई, साथ में बताया गया. पोस्टमार्टम एनालिसिस, वो हमने भी बात की, वो यहां पर भी है. चलिए आगे. उसके बाद चलिए आगे. चलिए, अब क्या रिफॉर्म, प्रोएक्टिव रोल ऑफ कैग रिक्वायर्ड, यानी इकोनॉमी ऑफ द पॉलिसी इंट्रोड्यूस. अब ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल क्लैरिटी से पार्लियामेंट में लेके चला जाता है, यानी इकोनॉमी क्या है उस पॉलिसी की, वो जो है बिल के पास होने से पहले इंट्रोड्यूस होना चाहिए. दस एक्टिंग एज ए कॉम्ट्रोलर, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ऑडिटर है, कॉम्ट्रोलर जनरल नहीं है. फिस्कल काउंसिल बने, जो कैग के रोल के साथ साथ दूसरे रोल को भी
कॉम्प्लीमेंट करें। रिसोर्स रेज थ्रू पब्लिक बॉडीज फॉर गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी ऑडिटेड बाई द कैग, अभी तक तो ऐसा नहीं है। प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाई स्पेशल पर्पज व्हीकल एंड अदर पैरेलल बॉडीज शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। सो स्मार्ट आंसर इज देयर। छोटी बातें की, सिंपल बात की, लेकिन बहुत ही प्रोएक्टिव और टू द पॉइंट बात की। तो कैग क्या हो गया, लिंचपिन हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का गवर्नमेंट का, जो अभी नहीं है। चलिए आगे। प्रेशर ग्रुप्स अनोनिमस एम्पायर, तो यानी कि जब हम आंसर लिखते हैं शुरू में ही, अगर हम कोई कोट या कोई अगर बात लेके आए, या हम कोई एपिथेट लिखें, या फिर हम कोई उसको टाइटल दें, तो उससे नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। पीपल लेड ग्रुप्स हैं, डू नॉट फाइट इलेक्शन, हमने किसी ने नहीं ये बात मेंशन की, बट कास्ट इन्फ्लुएंस ओवर गवर्नेंस। गिव एक्सपर्ट एडवाइस टू गवर्नमेंट, छोटा सेंटेंस, हम भी छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे फीके और एसोचैम। प्रेशराइज गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, जैसे एमकेएसएस, मजदूर किसान जो है संगठन। इन्फ्लुएंस ऑन आरटीआई एक्ट था उसका, सबसे पहला था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने लोकपाल बिल की बात की, तो ऐसे क्लैरिटी से पूरा इवोल्यूशन शो कर दिया। बायलेटरल रिलेशन में भी उसकी बात की, इंडिया आसियान आरसीईपी, आरसीईपी इंडिया ने ज्वाइन ही नहीं किया फार्मर वर्कर कंसर्न के कारण। अफर्मेटिव पॉलिसी फॉर वनरेबल, जैसे नास फाउंडेशन और ट्रांसजेंडर बिल, इसलिए आंसर क्या होता है, आंसर एकदम बैलेंस हो जाता है। हमारे आंसर में कई बार चीजें ज्यादा होती हैं, वो प्रून नहीं है, वो बुके की तरह नहीं है, वो गुच्छा जरूर है, लेकिन वो स्मार्टली पुट अप नहीं। तो प्रेशर ग्रुप ब्रॉडन करता है पार्टिसिपेशन को। अब अगर बात करें नेगेटिविटी, जो हमने पहले भी बात की कि नेगेटिव बात क्या हो सकती है, तो यहाँ पर इन्होंने भी जो है, जैसे पैरोकियल इंटरेस्ट की बात की, अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की बात की, कुदानुकूलम एम्प्लॉयमेंट का प्लांट का एग्जाम्पल दिया, नॉइजी माइनॉरिटी की बात की, लेकिन पॉजिटिव में देखिए मार्शलाइज सेक्शन है, पॉलिटिकल रिलेवेंस है। इन यूएस प्रेशर ग्रुप्स आर रिगार्डेड एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने थोड़ा प्रेशर लिया, हमने कॉन्फिडेंटली रिलैक्स होकर उसको अच्छे से और नहीं देखा, हमने जल्दबाजी की, बिकॉज दैट वॉज टचिंग आवर नर्व्स। सो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, मोरल प्रिंसिपल्स और एथिकल गाइडलाइंस की बात हो रही है, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को दिखाने की बात हो रही है। चलिए आगे। सोशल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसा शुरू में कुछ लिखें, बहुत हमने लिखा भी सेकंड आंसर में ऐसा था, द आंसर वाज देयर, जिसमें शुरू में बहुत अच्छी बिगनिंग की गई थी। मेक्स रिफॉर्म अनसस्टेनेबल, सोशल रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट मेक्स रिफॉर्म अनसस्टेनेबल, तो बहुत अच्छे से बताया, जैसे ड्राउट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिड्यूसेस सोशल ओनरशिप एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, पेपर टू की अगर आप बात करें, उसके सिलेबस की बात करोगे, तो उसके टर्म्स यहाँ पर विजिबल है। वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो आपने 33% रिजर्वेशन येट कॉन्सेप्ट ऑफ ई पंचायत पति डोमिनेट, बस एक बार पंचायत पति की बात ऐसे करके छोड़ दिया उसको, येट उसको मेन स्ट्रीम नहीं बनाया। मेक रिफॉर्म्स इंक्लूसिव, या फिर मेक रिफॉर्म्स आई शुड से इल्यूशनरी, आई डोंट नो व्हाट दिस टर्म इज एज सच, वुमेन्स कंसर्न्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिसी मेकिंग, ये ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विदाउट सोशल रिफॉर्म, अब इन्होंने भी सेक्शन वाइज किया है, लीड टू सबऑर्डिनेशन, जैसे ब्यूरोक्रेसी नॉट कोऑपरेटिंग वुमेन सरपंच, तो सिर्फ वुमेन सरपंच की बात नहीं है, लेजिस्लेचर की बात भी थी। लोकल पीपल नॉट रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। मीनिंगफुल एंगेजमेंट एंड एबिलिटी टू यूटिलाइज, ये जनरल है, ये हमने भी ऐसे ही किया, लेकिन इसको और अच्छे से पुटअप किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और होलिस्टिक रिफॉर्म्स की, तो मैंने जैसा बोला, ये तो टर्म्स आप ला ही सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी आप जा सकते हैं, जो जो सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल बॉटल नेक्स हैं, उनका वर्ड लिख कर आप लेजिस्लेशन और सोशल रिफॉर्म की बात थोड़ी सी कर सकते हैं, बट देन आंसर इज नॉन क्लटर्ड, आंसर इज सिंपली टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स एंड इट इज बीइंग वेरी क्लियर। तो हमारा पहला आंसर भी था, सेकंड आंसर भी था, थर्ड आंसर ने थोड़ा छोटा किया, फोर्थ आंसर के अंदर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर भी थे, लेकिन एलिमेंट्स इधर उधर भागते हैं, वो उसमें आप कह सकते हो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की तरह जंप है, वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। That's all what we can say. So you can stop the screen sharing, please. Thank you. Okay, Achal. Sir, smartly put करना है और भी positive points के साथ भी, उसके साथ limitation भी वहीं पे ही डाल दो तो वो easily मतलब उससे फिर cluttering रुक जाएगी, मतलब simply आप revise पुट कर कीजिए, सकते हैं। revise कीजिए, keep on revisiting them and accordingly we will discuss further. क्योंकि सोशियोलॉजी और बाकी एरियाज में भी हमें उससे हेल्प मिलेगी, और व्हाटएवर असाइनमेंट्स आर विद यू फोकस ऑन दैट।
विद मोर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, और उसको टारगेट ओरिएंटेड और बनाइए। ज्यादा देर नहीं करना, अलग अलग काम करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, बचना नहीं है। थैंक यू को करुणा। तो हमें इलस्ट्रेशंस को भी ऐड करना है अपने आंसर्स में ताकि क्रिएटिव अप्रोच भी दिख पाए। थोड़ा थोड़ा होगा, वो धीरे धीरे होगा, दैट इज ऑल्सो देयर। यू वांट टू से समथिंग प्रेरणा? यस सर, व्हाट आई अंडरस्टूड वाज के क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होंगे उनको रिलेट करके एग्जांपल्स देनी है, मतलब एग्जांपल्स में काफी सारे एस्पेक्ट्स पूरे होने चाहिए, तो इससे एग्जाम्पल बड़ा बेटर। हो, भारी हो, एग्जाम्पल मजेदार हो। बिल्कुल सही बोला। यस आशिक, यू वांट टू से? सर, बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज नो मीटिंग, बट आफ्टर दैट मोर फोकस शुड बी एग्री, देयर ऑन कीवर्ड्स, मोर जो सिंपली पुटिंग अप द कीवर्ड्स जो जो लास्ट आंसर में था, और स्पेस जो मैं बीच में डालता हूँ उसको थोड़ा अच्छे तरीके से डालना चाहिए ताकि स्ट्रक्चर का। वो भी हो जाएगा। कीप ऑन मूविंग एंड वट एवर असाइनमेंट्स आर देयर, वट एवर असाइनमेंट्स आर गिवन टू ईच वन ऑफ यू, उसको और रिलीजियसली और कॉन्फिडेंटली और रिलैक्स होके पकड़ो। काम को कम ज्यादा मत सोचो, काम को ये मत सोचो ये तो आसान है, ये तो फालतू है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो आप देखना अपने आप ही चीजें और उभर कर आएंगी। एंड आई ट्रस्ट ऑल ऑफ योर एबिलिटीज एंड डेफिनेटली विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट इंटरेक्शन।